हाँ जी नमस्कार जी, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टीचिंग गुरु में। तो जैसे आपको पता ही है कि हरियाणा में जैसे CET का एग्ज़ाम है उसके जो एडमिट कार्ड है वो आ चुके हैं, तो आप अपना जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, आपने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाना होगा और उसके अंदर जो भी आपको लॉगिन डिटेल या डेट ऑफ बर्थ फिल करने के लिए बोला जाएगा वो सारी आपने फिल कर देनी है। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक कैंडिडेट का जो है डाउनलोड करके दिखाता हूँ, जिसके अंदर पहले रजिस्ट्रेशन नंबर भरना होगा, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आपका मंथ और कौन सा ईयर है, ये तीनों चीज़ें जो है आपने यहाँ पे फिल कर देनी है। फिल करने के बाद आपका पास नीचे जो है कैप्चा कोड जो है वो पूछा जाएगा कि कैप्चा कोड जो ऊपर दे रखा है वही सेम टू सेम आपने नीचे फिल कर देना है। फिल करने के बाद क्या होगा, इसको बिल्कुल करेक्ट से अपने जो फिल है वो करना होगा, क्योंकि अगर आप इनकरेक्ट करोगे तो आगे की जो प्रोसीडिंग है वो नहीं देगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो चुकी है तो इसको हम ठीक से एक बार लिख देते हैं। तो अब ये बिल्कुल ठीक है और जैसे ही आप इसको लिख के आगे प्रोसीड करेंगे तो आपके सामने लॉगिन जैसे ही कि आप करेंगे तो आपके सामने प्रिंट एडमिट कार्ड का जो ऑप्शन है वो आ जाएगा, जिससे आप अपना जो एडमिट कार्ड है वो प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट की कमांड पे क्लिक करते ही आपके सामने अपना एडमिट कार्ड कुछ इस तरह से जो है आ जाएगा, जिसके अंदर आपकी फ़ोटो लगी होगी, नीचे आपके जो साइन है वो होंगे। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, पूरा ऐसा पूरा ये है, आप इसको डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा सकते हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, किसी को अगर कुछ ना समझ में आया तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।